हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते प्रणाम। और अभी नाइट के शायद 8 बजने वाले हैं, 8:02 हो गया है और मैं खाना वाना बना कर आ गई हूँ कमरे में। और आने के बाद थोड़ा सा उंगली ना मेरा ऐसे टेढ़ी हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उंगली में ये दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये वाला, पता नहीं क्यों। और मम्मी पापा को भी खाना भी देना है, खिलाना है और बर्तन भी साफ करना है, पता नहीं कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। चुको आप लोग, ये जो उंगली है ना, वो क्या हुआ ना कि जो खेती का ग्रिल नहीं होता है, ग्रिल, तो ग्रिल में पर्दा को ऐसे फंसा रही थी, तो ये उंगली के साथ ऐसे हो गया और इतनी ये दर्द हो रहा है ना, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा अगर इंसान अगर ऐसा करता ना, जैसे कहते हैं ना कि गलती से अगर चोट लग गई तो ये मतलब जो बर्दाश्त करना पड़ रहा है, अगर कोई इंसान अगर ऐसा कर देता है जानबूझ कर, इतना मारती उसको ना, मत पूछिए आप। इतना तेज गुस्सा आया ना, अपने पैर को दीवार में मार लिया, पता है। बस तो गलती से हो गया, मुझे पता है मेरी ही गलती थी, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे गुस्सा बहुत ज़्यादा मुझे आता है, तो मैं सोची कि बहुत ज़्यादा ये दर्द हो रहा। सुबह से मैं ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, जैसे कि आप लोगों को पता है दिवाली के काम की वजह से बहुत ज़्यादा तबियत खराब हो गई थी मेरी, तो मैं नहीं बना पाई थी ब्लॉग। तो मैं सुबह से सो रही थी और ऐसा मैं सोई हूँ 12 बजे सोई हूँ, 12 बजे से लेकर 4:45 बजे तक कोशिश कर रही हूँ कि मैं जाग जाऊँ, काम है, लेकिन आँखें खुल नहीं रही है। और अनाप शनाप इससे होता है ना, अनाप शनाप सपना देखना, ये करना वो करना, भूत वाली सपना देखना, ऐसा ऐसा सपना आ रहा था मेरे, देखो भूत वाली सपना है मेरा, ऑपरेटेडी हो गई बहुत थोड़ा, तो ऐसा ऐसा कांड हो रहा मेरे साथ, पता नहीं क्या हुआ। लगता है कल ग्रहण लगा था ना, तो कल ग्रहण लगा था तो मेरे को पता नहीं था कि ग्रहण लगा, लेकिन मम्मी को पता था, मम्मी बताई नहीं। तो ग्रहण लगने के बाद इंसान क्या करते हैं उसको, ग्रहण लगने के बाद हर एक आदमी नहाता है, क्योंकि ग्रहण के बाद नहाना जरूरी होता है। तो मैं कल नहा नहीं पाई थी, मम्मी नहा ली थी, सब लोग नहा लिया, लेकिन मैं नहा नहीं पाई थी क्योंकि मुझे फीवर आया था, तो मैं सोची कि नहा लूँगी तो और फीवर आ जाएगा, तो लग रहा है ग्रहण का करनामा है ये, जो मेरा हाथ ऐसे हो गया, ये ग्रहण का ही करनामा है। लेकिन भगवान को भी तो समझना चाहिए ना, मेरी तबियत खराब थी और फीवर भी आया था मुझे, इसलिए मैं नहीं कर पाई पालन। लेकिन भगवान जी भी ना अच्छे लोग सताते हैं यार। तो भी मैं खाना बना के कैसे कैसे मैं आ गई हूँ, मतलब खाना बन ही गए थे, मैं पर्दा को खिड़की में ऐसे करके डाल रही थी, अटका रही थी उसमें, ये मुड़ गया, खाना बन गया है और चलती हूँ, पापा को पूछ लेती हूँ खाने के लिए, चलो फिर चलती हूँ किचन में। लाइट ऑफ कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल उठता है। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर आने के बाद नहीं जाना है, उठ ही नहीं रहा वो। बाहर आने के बाद पहले दिखाती हूँ मेरा ये पुराना कमरा, देख सकते हो, ये मेरा पुराना कमरा है, पहले मैं इसी में रहती थी, मेरा बेड यहाँ लगा करता था, एक यहाँ बेड था और एक वहाँ के जी के पास बेड था, बीच में मेरा शोकेस था, और बहुत लंबा कमरा देख सकते हो, बहुत बड़ा कमरा है ये देखिए। तो दीपावली मैंने इसको साफ कर दिया था पूरा, देख सकते हो क्लीन है। और मेरा इधर यहाँ से तो मैं हट गई, लेकिन यहाँ सूज रखने की दुकान बना ली है, देखो ओनली सूज का डब्बा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 3-4 उस रूम में पड़े हैं, ऊपर छज्जे में पड़े हैं, यानी कुल मिला के 15-16 जो हो गई सूज होगा मेरे पास। और ये दो ये जूता है ना, ब्लैक और वाइट, तो ये पुराने मतलब पुरानी हो गई है, तो पहनने का मन नहीं कर रहा, तो मैं सोची किसी को दे दूँगी, किसी गरीब को आता है मतलब होता है ना, तो मैं उसको रखी हूँ, और छोटा भी हो गया है वो। तो मेरे पास हर एक कलर का मतलब शूज़ मिलेगा आपको, ब्लैक है, रेड है, येल्लो है, वाइट है। मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है कि एक होता है ना, लड़कियों को घूमना ज़्यादा पसंद होता है, सबका हॉबीस होता है घूमना फिरना ये करना, लेकिन मेरा हॉबीस है ना कि घूमूँ मैं, लेकिन एक होता है ना कि मैं ड्रेस बिल्कुल अपने पसंद का पहनूं और ड्रेस का बिल्कुल सेम शूज़ पहनूं या सैंडल पहनूं। तो मैं मुझे मेरा ये बहुत मतलब क्या करूँ, जो भी समझो मेरी ये आदत है,
इसलिए 15-16 रखी हूँ मैं पूरा। और मेरे फैमिली वाले वैसा है जो मैनेज करते हैं, मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, एक बार मांग दे देता है मुझे, तो देखिए आप देख सकते हो आप लोग। ये कमरा मैंने खाली कर दिया, तो मम्मी बोली इसमें रेंट लगा दूँगी, मैं बोली लगा दो। तो अभी मैं चलती हूँ लाइट बुझाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल उठ रहा, लाइट कटे हैं, इन्वर्टर सब चल रहा है ना, तो मम्मी बोली बुझा दो, तो बुझा रही हूँ, पहुँच नहीं पा रही बोर्ड को ना, तो ऐसे करके ये पानी गर्म करने वाली रोड से बुझा रही। चलो मिलती हूँ अभी, रुको कमरे का लाइट बुझाती हूँ। अब आ गई हूँ मैं बाहर आंगन में, देख सकते हो ये आंगन, और ये मेरा कुछ गेट है, बाउंड्री में 4 गेट है, वही तीसरी वाली है। तो मैं गई थी मम्मी पापा खाना देने की, लेकिन वो लोग लेकर खा लिए, तो चलती हूँ मैं भी खा लेती हूँ। भाई पढ़ाई कर रहा, उसको बोलती हूँ खाने को। चलो खाना खा लो, ओए हैं पापा बोल रहे जल्दी खा लो, नींद आ रहा है उन लोगों को। चलो बता ना, वही ना वैसे प्रेस है। तो अभी वो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसकी एग्जाम है 31 तारीख को, तो जॉब की तैयारी कर रहा है ना वो, तो एग्ज़ाम है, तो अभी उसको डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ, पूरा दिन वो बेचारा पढ़ता रहता है, बहुत मेहनत करता है। और मम्मी पापा खा चुके हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडी भी आ गई है, तो खा चुके हैं, कह रहे हैं कि जो मेरा किचन है उनके कमरे पापा के कमरे में ही है, तो मम्मी कह रही है कि जल्दी से खा लो, और खा कर हम लोग सोने जा रहे हैं। तो भाई पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो, और मेरी हाथ तो टेढ़ी हो गई है, सीधा कर लूँगी। चाहे थोड़ा सा इसको गर्म पानी में नमक डालकर सेक लेती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे काम करना होता है ना, सारा काम मैं ही करती हूँ, सारा काम मम्मी से मैं ही संभालती हूँ, जितना मुझसे होता है मैं खुद करती हूँ, सारा सारा काम, घर का सफाई वगैरह, मतलब तो जो होता है ना पूरा घर का काम मैं करती हूँ। अगर ये टेढ़ी हो जाए तो फिर मेरी प्रॉब्लम होगी, मैं काम कैसे करूँगी। तो चलती हूँ खाना वाना डिनर करने के लिए, और मुझे फीवर भी आ रहा 2 दिन से, आप लोगों को पता है, तो दवा खाऊंगी फिर उसके बाद रेस्ट करूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।